हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं फाइबर्स के बारे में, ठीक है। तो इसमें तीनों चैप्टर कवर हो जाएंगे, क्लास सिक्स का, क्लास सेवन्थ का एंड क्लास एट का। ओके, सो प्लीज अगर आप सब लोग आ गए हो तो एक बार ये बताओ कमेंट करके कि आवाज आ रही है नहीं आ रही। हेलो एवरीवन, हेलो हेलो। प्लीज एक बार बताना कमेंट करके आवाज आ रही है। फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि आज वैसे भी ये टॉपिक थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि तीन चैप्टर्स करेंगे आज इकट्ठे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, जो भी आता रहेगा वो जुड़ जाएगा। ओके, बीच में अगर स्ट्रीम में कोई दिक्कत आए तो कमेंट कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। अरे तो इस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे फाइबर्स टू फैब्रिक। ओके, फाइबर्स टू फैब्रिक क्लास सिक्स में भी है, क्लास सेवन्थ में भी है और क्लास एट में है ये चैप्टर, नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर करके, ठीक है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं और बिल्कुल टू द पॉइंट है ये, जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो डिस्कस की गई हैं और बिल्कुल एनसीईआरटी से ही ये नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो फाइबर्स क्या होते हैं, रेसे क्या होते हैं, ये स्मॉलेस्ट यूनिट हैं टेक्सटाइल प्रोडक्ट की, ठीक है। जो कपड़े प्रोडक्ट होते हैं उसके सबसे छोटी यूनिट क्या है, फाइबर्स हैं, ठीक है। फाइबर्स को आपस में मिला के या जोड़ के उनको आपस में स्पन करके क्या बनता है, यार्न बनता है, ठीक है। यार्न को कहते हैं नॉर्मली धागा, और धागे को फिर लपेट दिया जाता है, स्पूल बना दी जाती है, रील में लपेट दिया जाता है, और इसी यार्न से हम बनाते हैं फैब्रिक, ठीक है। फैब्रिक क्या है, इंटरलॉक यान है, मतलब इंटरलॉक धागे हैं, क्लियर है। फाइबर्स होते हैं रेसे, रेसे को आपस में जोड़ के यान बनती है, यान से बनता है फैब्रिक कपड़ा, क्लियर है। चलो, नेचुरल फाइबर्स होते हैं और सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं। नेचुरल फाइबर्स कौन से होते हैं, जो कि हमें मिलते हैं प्लांट से और एनिमल से। तो प्लांट से कौन कौन से मिलते हैं, प्लांट से मिलता है हमें कॉटन और जूट, आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे हम, एक और चीज मिलती है हमें प्लांट से, ठीक है। एनिमल से हमें मिलती है ऊल, किसे किसे मिलती है, सीप से, कैमल से, गोट से, लामा होता है कश्मीर में और ठंडे इलाकों में, याक से भी हमें ऊल मिलती है, सिल्क वॉर्म मिलता है हमें सिल्क से, क्लियर है। और कॉटन एंड जूट जैसे पता ही है ये प्लांट से, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स बस 100 या 150 या 200 साल पहले ही यूज होना स्टार्ट हुए, उससे पहले सभी नेचुरल फाइबर्स ही थे, ठीक है। जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं वो होते हैं केमिकल्स बेसिकली, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक, टेरिलीन, ये सभी क्या हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हैं। सॉरी, चलो, सम प्लांट फाइबर, कॉटन, कॉटन क्या है, एक फ्लफी सॉफ्ट स्टेपल फाइबर है जो कि बोल की तरह ग्रो होता है, ठीक है। BOLL स्पेलिंग याद रखना, ये है कॉटन बोल, जब ये मैच्योर हो जाती है तो इस तरह से दिखने लगती है ये, ओके। और इसको निकालने के प्रोसेस को कहते हैं गिनिंग, ठीक है। कैसे निकलती है, कॉम्बिंग प्रोसेस के जरिए, मतलब कॉम्बिंग कंगी करना। सपोज करोगे आप इसमें कॉम्बिंग करोगे तो ये जो फाइबर्स हैं ये अपने फ्रूट से अलग हो जाएंगे, क्लियर है। तो ये प्रोसेस याद रखना, गेनिंग, गेनिंग का मतलब है फाइबर्स को निकालना है इसके बोल से, ठीक है। और होता क्या, इसमें कॉम्बिंग होती है, मतलब कंघी की तरह उसको खींच के निकाल लेते हैं। देन आता है कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, कौन कौन से हैं, पंजाब, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात
और कंट्रीज कौन सी हैं? चाइना में होता है, इंडिया में, यूनाइटेड स्टेट्स में होता है कॉटन कपास, पाकिस्तान में, ब्राज़ील में, उज्बेकिस्तान में और टर्की में। ये बिल्कुल एनसीईआरटी नोट्स हैं और इनमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत आता है कि ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में कौन सा पौधा या फाइबर अच्छे से ग्रो करता है, ठीक है? तो वो है कॉटन। कॉटन को चाहिए काली मिट्टी और वार्म क्लाइमेट, मतलब हॉट टेम्परेचर चाहिए इसको, ठीक है? ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है तो ये इंपॉर्टेंट है। चलो देन आता है स्पिनिंग कॉटन यार्न। कॉटन का धागा कैसे बनता है, सूत कैसे बनता है? तो कॉटन के फाइबर्स देखे हमने, उसको आपस में गूंथ लिया जाता है, ठीक है? आपस में ऐसे पकड़ के खींच लिया जाता है तो यार्न बन जाता है, धागा बन जाता है, कोई मुश्किल वाली बात नहीं इसमें। इसको कहते हैं टकली या हैंड स्पाइंडल, ठीक है? यहाँ पे एक इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है? और यहाँ पे कॉटन के फाइबर फंस जाते हैं, कॉटन के फाइबर फंस जाते हैं और इनको हाथों से स्पन कर लिया जाता है, मतलब गूंथ लिया जाता है, क्लियर? चरखा भी वही काम करता है, यहाँ हाथ से वो करते रहते हैं और सूत बनता जाता है। चलो देन है जूट। जूट भी क्या एक प्लांट फाइबर है, जो कि होता है सॉफ्ट, लॉन्ग, साइनी फाइबर होता है, प्लांट से निकलता है। जब प्लांट हार्वेस्टिंग के लिए तैयार होता है तो उसको पानी में डाल दिया जाता है, ठीक है? पानी में ये सड़ जाता है, रोट हो जाता है। जब पानी में सड़ जाएगा तो इसके जो हार्ड फाइबर्स हैं वही रह जाएंगे, ठीक है? ये वाला पोर्शन रह जाएगा और इसको आपस में स्पन करके रील बना दी जाएगी या यार्न बना दिया जाएगा, यार्न मतलब धागा। और इससे फिर जूट के बैग्स, बोरी और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आइटम्स बनती हैं। और ये इसकी एक अच्छी बात क्या है, ये बायोडिग्रेडेबल है ना? चलो, जूट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स, वेस्ट बंगाल में जूट बहुत होता है, बिहार में, आसाम में, उड़ीसा में, त्रिपुरा में, मेघालय में एंड आंध्र प्रदेश में जूट बहुत होता है। और इंडिया में जूट बहुत होता है, ओवरऑल कंट्री की बात करें तो बांग्लादेश में बहुत होता है, चाइना में, नेपाल में, उज्बेकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट में, ठीक है? ये सभी चीज़ें याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इनसे। चलो देन है कि यार्न टू फाइबर कैसे बनता है, मतलब धागे से फैब्रिक बनाने की कौन सी टेक्निक है। तो दो मेन मेथड्स हैं, पहली है वीविंग। इसमें क्या होता है, धागों को इस तरह से इंटरलॉक किया जाता है, इसमें दो सेट यूज होते हैं धागे के, ठीक है? एक वर्टिकल एंड एक हॉरिजॉन्टल, इसको कहते हैं वीविंग, क्लियर है? याद रखना ये या तो हैंडलूम्स होती हैं या मशीन के द्वारा ये प्रोसेस किया जाता है। निटिंग में क्या होता है, केवल एक ही धागा यूज होता है, ठीक है? उसी को आपस में बुन के कोई भी फैब्रिक बनाया जा सकता है, फैब्रिक इन द सेंस मतलब ऊन के कपड़े, दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है? वीविंग में ऐसे फाइबर्स यूज होंगे, दो सेट ऑफ फाइबर्स यूज होंगे मतलब, ठीक है? और निटिंग में एक ही धागा यूज होगा, जैसे हमने देखा ना हमारे पुराने टाइम में जर्सियाँ बनी कर हमारी मम्मी है बनाया करती थी स्वेटर्स, है ना? आजकल कोई नहीं बनाता क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा हो गया है। चलो देन आता है फ्लैक्स के बारे में पूछ सकता है। तो फ्लैक्स प्लांट से हमें मिलता है लिनन। लिनन आपने सबने सुना होगा, लिनन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और ये पहली बार यूज हुआ था एंशेंट इजिप्ट में, ठीक है? कहाँ पे उगाया जाता था, नियर नाइल नदी के किनारे, और वो उनको सिलना उलना आता नहीं था तो फैब्रिक बना लेते थे और उसको डायरेक्ट ड्रैप कर लेते थे, ठीक है? तो ये याद रखना कि लिनन यार्न कौन से प्लांट से बनता है, ठीक है? तो ये बनता है फ्लैक्स प्लांट से। चलो वो चैप्टर खत्म हो गया, छोटा सा था, आगे लास्ट में हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है? देन आता है क्लास सेवन्थ का फाइबर टू फैब्रिक, इसमें देखते हैं क्या है। तो सेम वही, फाइबर्स स्मॉलेस्ट यूनिट है टेक्सटाइल की, है ना? फाइबर्स होते हैं, फाइबर से बनता है यार्न, यार्न से बनता है फैब्रिक। अब ये दोबारा नहीं बताऊंगा मैं, दो बार हो गया, ठीक है? फाइबर से यार्न बनता है मतलब धागा बनता है और धागे से फैब्रिक बनता है, क्लियर है? ऊल कहाँ से मिलती है हमें? ऊल मिलती है हमें फ्लीस या हेयर जिसे कहते हैं, सीप की और याक की और भी बहुत से एनिमल्स होते हैं जिससे हमें ऊन मिलती है।
सिल्क हमें मिलता है सिल्क मॉथ के ककून से। ये हम आगे पढ़ेंगे ककून क्या होता है। चलो, सीप के दो तरह के हेयर होते हैं, कोर्स बियर्ड हेयर, ये एक्चुअली कालीन बनाने के लिए यूज होते हैं ये हेयर, क्योंकि इनके फाइबर्स लंबे होते हैं ज्यादा, ठीक है। दूसरा है फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, ये स्किन के बिल्कुल पास होते हैं, ठीक है, ये बहुत पास होते हैं स्किन के, और उन जोनी कपड़े हैं जो फैब्रिक है जिसको हम पहन सकते हैं वो बनते हैं इसी सॉफ्ट हेयर से, ठीक है, फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर से। तो इसके लिए क्या होता है, जिन भेड़ के पास, जिन भेड़ों की जो फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है, उन्हीं को सेलेक्ट किया जाता है बच्चे पैदा करने के लिए, ठीक है। अब इनके बच्चे होंगे तो उनके भी बाल अच्छे होंगे, ऐसी ब्रीडिंग को कहा जाता है सेलेक्टिव ब्रीडिंग, मतलब पर्टिकुलर ब्रीड हमने सेलेक्ट कर ली है ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्वालिटी ऑफ हेयर्स, ठीक है, उनकी हेयर्स की क्वालिटी अच्छी है इसलिए हमें हमने उन्हें सेलेक्ट कर लिया और उन्हीं की ब्रीडिंग होगी, ठीक है, जिनके अंदर, जिनकी स्किन पे फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है, इसको कहते हैं सेलेक्टिव ब्रीडिंग। चलो, और कौन से एनिमल्स होते हैं, कैमल से भी ऊन मिलता है, कश्मीरी गॉट पश्मीना फेमस है, लामा अमेरिका में होता है ज़्यादा, अंगोरा गोट भी लेह लद्दाख एंड कश्मीर में मिलती है, कितनी आप देख सकते हो कितने बाल हैं इसके, और याक से भी ऊन मिलता है, ठीक है। चलो, गन है रेयरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ सीप कहाँ कहाँ पे होती है, जम्मू कश्मीर में होती है, उत्तरांचल में होती है, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में, सिक्किम, प्लेन्स ऑफ हरियाणा, राजस्थान, पंजाब एंड गुजरात। हम लोग कई बार देख भी सकते हैं ना कि शेफर्ड या चरवाहे उनको चराते हुए ले जाते हैं। ये ब्रीड याद रखना, इससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कि किसकी जो ऊन की क्वालिटी है वो अच्छी होती है और कहाँ पे वो पाई जाती है। तो जो लोही ब्रीड है इसकी जो ऊन की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होती है और वो बेसिकली राजस्थान एंड पंजाब में मिलती है, ठीक है। देन है रामपुर बुसैर, इसका ब्राउन फ्लीस होता है, इसके जो बाल होते हैं वो ब्राउन कलर के होते हैं, ये मिलती है उत्तर प्रदेश में एंड हिमाचल प्रदेश में। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा लगे तो मुझे बता देना है। थर्ड है नली, इससे मिलता है कारपेट ऊन, ये भी मिलती है राजस्थान हरियाणा एंड पंजाब में, ओके। देन है बकरवाल, बकरवाल कहाँ मिलता है, जम्मू एंड कश्मीर में, और इसकी जो ऊल है वो यूज होती है सॉल्स बनाने के लिए, ठीक है। मारवाड़ी, मारवाड़ी नाम से पता चल रहा है गुजरात में मिलेगी, और इसे मिल कलेक्ट करते हैं कोर्स ऊल, कोर्स ऊल यूज होती है कारपेट्स बनाने में या कालीन बनाने में। पतनवादी होजरी के लिए यूज होता है, जिससे सॉक्स वगैरह बनती हैं या अंडरग्राउंड गारमेंट्स बनते हैं, ठीक है, ये भी मिलती हैं गुजरात में। तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो आप, क्योंकि ये पूछा जाता है। चलो चलते हैं आगे। चलो, प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू ऊल, जो फाइबर्स हमें मिले हैं उसको ऊल कैसे बनाया जाए, ठीक है। तो जो फ्लीस है, जो सीप की जो हेयर्स हैं, उसको थिन लेयर ऑफ स्किन के साथ रिमूव कर लिया जाता है, ठीक है, मतलब उसमें जो बहुत हल्की लेयर स्किन की भी आती है, और इस प्रोसेस को कहते हैं सेयरिंग। ये प्रोसेस याद रखना क्योंकि क्वेश्चंस इससे आ चुके हैं पहले, ठीक है। बालों को काटना कहलाया जाता है सेयरिंग, ये एक बिल्कुल जैसे ट्रिमर होता है ना उसी की तरह काम करता है ये, और ये प्रोसेस होती है समर में। समर में क्यों होती है, अगर ठंड, सर्दियों में इनके बाल काट देंगे तो इंसुलेशन नहीं बचेगा और इन्हें ठंड लगेगी। हेयर से उलन फाइबर मिलते हैं और उलन फाइबर को प्रोसेस करके उलन यान मिलती है, ठीक है, धागा मिलता है हमें, और इसमें एनिमल का कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि बाल फिर से उग जाते हैं। चलो, अब ये सब हो गया। सेकंड स्टेप या स्टेप टू क्या है, जो हमने स्किन सेट करी है उसको अब टैंक्स में ले जाया जाएगा, क्योंकि इनमें होती है ग्रीस, ठीक है, ग्रीस को हटाया जाएगा, डर्ट को हटाया जाएगा, डस्ट को हटाया जाएगा, इस प्रोसेस को कहते हैं स्काउरिंग, ठीक है। ये प्रोसेस याद रखते जाना,
पहले शेयरिंग होगी, देन स्काउरिंग होगी। स्काउरिंग का इजी से मतलब धोना है, ठीक है, इनके बालों को धोना है। चलो देन आता है धोने के बाद सॉर्टिंग स्टेप। सॉर्टिंग मतलब छाटना, ठीक है, ये होता है स्काउरिंग के बाद। सॉर्टिंग क्यों होती है? क्योंकि सभी भेड़ों का टेक्सचर अलग अलग होता है, इसलिए इनकी सॉर्टिंग होती है, इन्हें छाटा जाता है। चलो स्टेप थ्री हो गया। स्टेप फोर में क्या है, कुछ बर्ड्स रह जाएंगे, ठीक है, कुछ टुकड़े रह जाएंगे जो कि धुले नहीं है या प्रोसेस नहीं हुए, उनको अगेन धुला जाएगा और उनको अगेन सॉर्ट किया जाएगा, मतलब उन्हें छाटा जाएगा। ओके, अब रेडी है ये फाइबर्स बनाने के लिए। अब फाइबर्स को अलग अलग कलर में डाई कर दिया जाएगा, क्योंकि मोस्टली जो सीप होती हैं उनके जो बाल होते हैं वो या तो ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं या वाइट होते हैं, ठीक है, लेकिन इनको अलग अलग कलर में डाई कर दिया जाएगा ताकि ये हर जगह यूज हो सके। चलो स्टेप सिक्स क्या है, जो फाइबर्स हमें मिले हैं इसको स्ट्रेटन किया जाएगा, मतलब सीधा किया जाएगा और यार्न के तौर पे इसको रील पे बांध दिया जाएगा, या जैसे पहले स्वेटर होती थी ना, पूरा वो रोल मिलता था, उस तरह से इसको तैयार कर दिया जाएगा, ठीक है। सो सिंपल, पहले होती है शेयरिंग, देन स्काउरिंग, देन सॉर्टिंग। इससे क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे देख लो। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि ऊल इंडस्ट्री से रिलेटेड ऑक्यूपेशनल हैजार्ड कौन सा है, ठीक है, जो कि इसके व्यवसाय से रिलेट करता है। तो जो लोग ऊल इंडस्ट्री में हैं उन्हें सॉर्टर्स डिजीज होने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और सॉर्टर्स डिजीज एक्चुअली है क्या, ये एंथ्रेक्स है जो कि होती है बैसिलस एंथ्रेसिस से, क्लियर है। यहाँ पे देख सकते हो आप, पहले शेयरिंग हुई, देन स्काउरिंग हुई और फिर यान हुआ, मतलब यान बनाया गया आफ्टर सॉर्टिंग प्रोसेस, क्लियर है। चले आगे, प्रीति नो यार, फिजिक्स पीजीटी की नहीं कराऊंगा मैं, आई एम बेसिकली फ्रॉम बायोलॉजी फील्ड, सो सॉरी। चलो कंटिन्यू करते हैं। चलो देन आता है सिल्क। सिल्क एक एनिमल फाइबर है जो कि हमें मिलता है सिल्क वॉर्म से, और सिल्क वॉर्म को पालना और उनसे सिल्क ऑब्टेन करना क्या कहलाते हैं, इसे सेरीकल्चर कहते हैं इसे, ओके। और सिल्क स्ट्रांग होता है सेम डायमीटर के स्टील से ज्यादा। कौन सी स्टेज से मिलता है हमें सिल्क, हमें मिलता है सिल्क प्यूपा स्टेज से, ठीक है। ये फीमेल सिल्क मॉथ होता है, अंडे देती है सिल्क मॉथ। एग स्टेज के बाद आती है कैटरपिलर स्टेज, और कैटरपिलर स्टेज के बाद आती है प्यूपल स्टेज, और प्यूपा ग्रो होता रहता है और अपने चारों तरफ ऐसी ये ककून बना लेता है वाइट कलर का, ओके। इस स्टेज पे इसको उबाल लिया जाता है, बॉयल कर लिया जाता है, या सनलाइट में डायरेक्ट छोड़ दिया जाता है, बेचारे प्यूपा मर जाता है स्टेज पे, और हमें मिल जाता है सिल्क, क्लियर है। सिल्क लेने के लिए इसकी जान चली जाती है, सो बैड फॉर। इस फाइबर का यही दुख है कि प्यूपा बहुत सारे मरते हैं इसमें। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि सिल्क कौन सी स्टेज से हमें प्राप्त होता है, हमें कौन सी स्टेज पे मिलता है, तो ये मिलता है प्यूपल स्टेज पे, और इसके ककून से मिलता है हमें, ओके। ककून एक्चुअली कवरिंग है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो बहुत सारी वैरायटी होती है, बहुत सारी स्ट्रेन होती हैं सिल्क मॉथ की, ये स्ट्रेन याद रखना, तसार सिल्क, मूगा सिल्क एंड कोसा सिल्क, और भी बहुत होती है लेकिन हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलना है। और ये सिल्क की क्वालिटी डिपेंड करती है कि सिल्क किस तरह का खाना खाता है, किस तरह के पेड़ पे वो रहता है। बेसिकली यूज होता है मलबेरी सिल्क मॉथ, बहुत ज़्यादा यूज होता है। मलबेरी होता है सैतूत का पौधा, इसका साइंटिफिक नेम है मोरस एल्बा, ठीक है। सिल्क सभी को पता है, जो मलबेरी सिल्क मोर से मिलता है, ये सिल्क बहुत सॉफ्ट होता है, लस्टरस मतलब चमकदार होता है, बहुत इलास्टिक होता है, और इसको डाई करके बहुत अलग अलग तरह में, अलग अलग कलर्स में इसको डाई कर सकते हैं। सीरीकल्चर इंडिया में बहुत पुराना ऑक्यूपेशन है। चलो सिंपल देख लो, फीमेल सिल्क मॉथ अंडे देती है, बहुत सारे अंडे देती है, इसको पेपर क्लॉथ पे या नॉर्मली
पेपर या क्लॉथ पर रखा जाता है, इसको सिल्क फार्मर्स को बेच देते हैं, ठीक है। जो सिल्क होम फार्मर्स है ना, उनको बेच दिए जाते हैं। फिर वो उनको सूटेबल कंडीशन में रखते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, और जब ऑप्टिमल टेम्परेचर आता है तो इनमें से कैटरपिलर निकलते हैं, ठीक है। कैटरपिलर पत्तियाँ खाते हैं और वो साइज में बड़े होते रहते हैं। कैटरपिलर को किस में रखा जाता है? बैम्बू ट्रे में रखा जाता है 25 से 30 दिन के लिए, ठीक है। फिर ये खाना रोक देते हैं भाई, खाना पीना नहीं खाते ये। फिर ये चले जाते हैं बैम्बू में जो होल होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं, और फिर ये ककून बनाते हैं, और यही इसकी प्यूपल स्टेज है, और यही सिल्क कलेक्शन की भी स्टेज है। चलो, प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क बहुत सिंपल है। ककून जो है ना, उनको बॉयल कर लिया जाता है या उनको डायरेक्टली सनलाइट के अंदर छोड़ दिया जाता है। प्यूपा मर जाते हैं बेचारे, और उनसे सिल्क हमें मिल जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं रीलिंग द सिल्क, ठीक है। जो फाइबर्स को निकाला जाता है ना ककून से, उसको कहते हैं रीलिंग द सिल्क। तो ये जो भी पॉइंट है ना, इम्पॉर्टेंट ही ये सब नोट्स हैं, ये बिल्कुल याद रखते जा रहे हैं इनको। देखो, सिल्क कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? सिल्क ओरिजिनेट हुआ था, डिस्कवरी हुई थी इसकी चाइना में, लेकिन चाइनीज बहुत चलाक थे, इसको बहुत दिन तक इसको सीक्रेट रखा कि हमारे पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन जब चाइना में ट्रैवलर आते गए तो उन्हें पता चला सिल्क है, और जहाँ से ये सिल्क ले जाया जाता था इसको नाम दे दिया गया सिल्क रूट, ठीक है। अभी भी ये फेमस है, यहाँ यहाँ से जाता था, इंडिया से, पर्सिया, अरेबिया, इजिप्ट, यूरोप, सोमालिया, जावा, तो ये सब क्या है? सिल्क रूट है। चलो नेक्स्ट देखते। चलो इट्स चैप्टर क्लास 8 का चैप्टर 3, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, जल्दी से देखते हैं अभी। तो सिंथेटिक फाइबर्स कौन से होते हैं? ये बिल्कुल केमिकल बेस्ड फाइबर्स होते हैं। इसमें क्या होती है, जो स्मॉल यूनिट होती है वो आपस में जुड़ के पॉलीमर बना देती है, एक बिग यूनिट बना देती है, ठीक है। और इसको क्या कहते हैं? पॉलीमर कहते हैं। मोनोमर मतलब सिंगल यूनिट, और ये जब सिंगल यूनिट ढेर सारी मिल जाती हैं तो इसे कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर एक ग्रीक वर्ड है जिसमें पॉलिक मतलब है मैनी, एंड मर या मरोस का मतलब है पार्ट या यूनिट, ठीक है। जो कॉटन एंड रेयन है ये भी एक्चुअली क्या है? पॉलीमर है। किसके? सेलुलोज के। ये क्वेश्चन आया भाई कि कॉटन एंड रेयन किसके पॉलीमर है, तो ये सेलुलोज से बनते हैं। चलो टाइप्स पढ़ते हैं सिंथेटिक पॉलीमर की। पहला है रेयन। तो जैसे कि हमें पता ही है चाइना में सिल्क ओरिजिनेट हुआ था, सीक्रेट था, तो साइंटिस्ट बहुत ट्राई कर रहे थे कि हमें आर्टिफिशियल सिल्क मिल जाए। 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट ने एक मेथड खोज निकाला जिससे कि जो वुड पल्प है ना उसको केमिकली ट्रीट करके रेयन मिल जाता है, या जिसे कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम रेशम। ओके, याद रखना ही क्वेश्चन आता है कि किसको हम आर्टिफिशियल सिल्क कहते हैं, तो ये है रेयन। रेयन एक्चुअली सस्ता है सिल्क से, क्योंकि ओरिजिनल सिल्क बहुत महंगा होता है, टोटली मैन मेड है। रेयन प्लस कॉटन यूज होता है बेडशीट्स बनाने के लिए, और रेयन प्लस ऊल यूज होता है कारपेट्स बनाने के लिए, ठीक है। चलो देन आता नायलॉन। नायलॉन पहला सिंथेटिक फाइबर है, टोटली सिंथेटिक फाइबर है, जो कि बना था 1931 में। एनसीईआरटी में 1931 दिया है, आप कई जगह सर्च करोगे तो ये अलग दिया है, ठीक है, तो एनसीईआरटी लेके चलना है। तो नायलॉन के बनाने में कोई भी प्लांट या एनिमल फाइबर यूज नहीं होता। और नायलॉन की स्टोरी क्या है पता है ना? NY से न्यूयॉर्क और LO से लंदन। कहाँ से बना था पहला नायलॉन फाइबर? वाटर को यूज करके, कोल को यूज करके, एंड एयर को यूज करके, ठीक है। पहला पूरी तरह से सिंथेटिक फाइबर है, कृत्रिम धागा है या फाइबर है। ये बहुत स्ट्रांग होता है, इलास्टिक होता है, लाइट होता है, लस्टरस मतलब चमकदार होता है, और ईजली वोवन किया जा सकता है, मतलब कोई भी चीज़ बनाई जा सकती है इसे। सॉक्स बनती हैं इसे, रॉक्स बनते हैं, रस्सियाँ बनती हैं, टेंट बनते हैं, पैरासूट बनता है, आप देख सकते हो मजबूत होता है बहुत पैरासूट। टूथब्रश बनता है, कार सीट्स बनते हैं, स्लीपिंग बैग्स बनते हैं, कर्टेंस बनते हैं,
ये सभी बनते हैं नायलॉन से, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे नायलॉन्स की चीज़ें। नायलॉन स्ट्रोंगर होता है सेम डायमीटर के स्टील से। सपोज एक सेंटीमीटर डायमीटर का स्टील है और उसी सेम डायमीटर का नायलॉन है, तो नायलॉन फाइबर ज़्यादा मजबूत होगा। चलो ये नायलॉन के कुछ मोनोमर्स हैं, मैं अलग से कल परसों में एक वो पूरा टेबल दे दूंगा जिसमें प्रॉपर मोनोमर्स होंगे और पॉलीमर्स होंगे उनके, ठीक है। फिलहाल के लिए पढ़ लो आप। नायलॉन 510 किसे बना है? पेंटा मिथाइल डाइअमीन एंड सिबेसिक एसिड। ये क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। पेंटा मिथाइलिन डाइअमीन एंड सिबेसिक एसिड, ये बहुत एक्सपेंसिव है और इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसको यूज करते हैं बुलेट प्रूफिंग के लिए, ठीक है, कवच बनाने के लिए ताकि गोली ना लगे। नायलॉन 6 इसका मोनोमर है कैप्रोलैक्टम, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है और लस्टर होता है, मतलब चमकदार होता है। एक मिनट। तो इससे बनते हैं टायर कोट, अप्रैल कपड़े बनते हैं, हॉलीडे बनती है, सीट बेल्ट बनती हैं, पैरासूट्स बनते हैं, रस्सियाँ बनती हैं और इंडस्ट्रियल कोट्स होती हैं जो बहुत मजबूत होती हैं, वो भी नायलॉन 6 से बनती हैं, ठीक है। नायलॉन 66 बनता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन से। इनको याद रखते जाना, क्वेश्चंस आते हैं तो इसकी बहुत जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा है, स्टिफनेस होती है इसमें, हार्डनेस होती है और बहुत टफ है। ये टेक्सटाइल प्रोडक्ट में यूज होता है और कारपेट्स बनती हैं इससे, क्लियर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट। चलो देन है पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर भी एक सिंथेटिक फाइबर है और ये रिंकल प्रूफ है। अगर क्वेश्चन आए कि रिंकल प्रूफ फाइबर कौन सा है तो वो है पॉलिएस्टर, ठीक है। ये बिल्कुल क्रिस्प रहता है और इसमें रिंकल नहीं आते हैं। टेरिलीन भी क्या एक पॉलिएस्टर ही है और इसका मोनोमर क्या है, इसकी जो किससे बनते हैं, पॉलीथाइलिन टेराप्थलेट से बनता है, ठीक है, जिसे कहते हैं पैट। ये भी याद रखना आप, पॉलीथाइलिन टेराप्थलेट, और इसको डैक्रोन भी कहते हैं, ठीक है। अगर डैक्रोन आ जाए तो पजल मत होना, वो टेरिलीन को ही कहते हैं। टेरिलीन किस लिए यूज होते हैं या पॉलिएस्टर किस लिए यूज होते हैं? क्लोथिंग के लिए यूज होते हैं, यूटेंसिल्स के लिए यूज होते हैं, जो फिल्म्स होती है ना, जो आपने देखा होगा पहले कैमरों में फिल्म्स यूज होती थी, तो वो भी पॉलिएस्टर से ही बनती है। और बहुत तरह की जो वायर्स होती हैं वो भी पॉलिएस्टर से बनती हैं, ठीक है। पॉलीकोट का नाम सुना होगा, पॉलीकोट है पॉलिएस्टर प्लस कॉटन मिक्स होता है। पॉलीऊल में पॉलिएस्टर प्लस ऊल यूज होता है, ऊन यूज होता है। टेरिकॉट में टेरिलीन प्लस कॉटन यूज होता है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना वो तो बिल्कुल दिमाग से भुलाना मत, कि रिंकल प्रूफ कौन सा है, पैट किसका पॉलीमर है या किसकी, इससे क्या चीज़ बनती है, ठीक है। चलो देन आता है एक्रैलिक। अब सभी स्वेटर्स क्या है ना, ऊल से नहीं बनती, जो नेचुरल ऊल है बहुत महंगा होता है, तो आजकल जो स्वेटर्स हैं वो बनती हैं एक्रैलिक से, ठीक है। एक्रैलिक बिल्कुल ऊल जैसा ही दिखता है या ऊन जैसा ही दिखता है। इसकी क्वालिटी क्या है, ये बहुत सस्ता है नेचुरल ऊल के मुकाबले, क्योंकि सीप से आप प्रोसेस करके बिल्कुल ओरिजिनल ऊन लोगे तो बहुत महंगा है। पश्मीना सॉल्स होती है ना, बहुत महंगी आती हैं। एक्रैलिक की और क्या क्वालिटी है, बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है और ड्यूरेबल है नेचुरल फाइबर से ज़्यादा, क्योंकि नेचुरल चीज़ें ना यार ये टाइम के साथ या बहुत सारे पेस्ट होते हैं, बहुत सारे कीड़े होते हैं, उनके कारण खराब हो सकती है, लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स में ऐसा कुछ नहीं होता है, वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होते हैं। चलो लेकिन सिंथेटिक फाइबर्स की एक बहुत बुरी बात है, जब ये जलते हैं ना तो ये हमारी स्किन के साथ चिपक जाते हैं, तो जहाँ भी आग का खतरा हो, जैसे किचन में या लेबोरेटरीज में या पटाखे छोड़ते टाइम, पटाखे जलाते टाइम लिखा रहता है उसमें कि सिंथेटिक फाइबर्स के कपड़े ना पहने, क्योंकि स्किन के साथ चिपक जाते हैं और जो और ज़्यादा डैमेज करते हैं, हार्मफुल होते हैं, ओके। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं सिंथेटिक फाइबर की, जल्दी सूखते हैं क्योंकि पानी रिटेन नहीं करते हैं, सस्ते होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं, ईजी टू मेंटेन होते हैं, क्योंकि ओरिजिनल सिल्क और ऊल अच्छे से मेंटेन रखना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल होते हैं, ठीक है। चलो देन आते हैं प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या है, पॉलीमर्स हैं, इनका जो मॉलिकुलर मास है वो बहुत ज़्यादा है और ये पेट्रोकेमिकल बेस्ड हैं, ठीक है। पेट्रोकेमिकल बेस्ड कैसे हैं हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर्स में, क्योंकि जो इनके मोनोमर्स होते हैं वो
क्रूड ऑयल से निकलते हैं, ठीक है, जो पॉलिएस्टर वगैरह है ना वो क्रूड ऑयल से निकलता है। प्लास्टिक हर एक साइज में अवेलेबल है, इजीली रिसाइकल कर सकते हैं, अलग अलग कलर में अवेलेबल है, रीयूज कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं थिन शीट्स में, ठीक है। पॉलीथीन क्या है? पॉली प्लस इथीन किस लिए यूज होता है? पॉलीथीन बैग्स बनाने के लिए, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल एनवायरमेंट के लिए। चलो देन आता है पॉलीमर्स के अलग अलग लिंकिंग होती है, कुछ होते हैं लीनियर पॉलीमर, कुछ होते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर, ठीक है। जो क्रॉस लिंक होते हैं उनसे बनती है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ओके। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे कि क्रॉस लिंकिंग का क्या बेनिफिट है। क्रॉस लिंकिंग का बेनिफिट ये है कि ये टेम्परेचर का इफेक्ट इन पे नहीं होता, और ये इंसुलेटर्स की तरह यूज किए जाते हैं, या इनसे हम बनाते हैं जो स्विचेस होते हैं ना, वो बनते हैं इनसे। चलो थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं? ये इजली क्या है, जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है ना तो इनका जो आकार है, जो शेप है, वो बहुत जल्दी डिस्टॉर्ट हो जाती है, ठीक है, ख़राब हो जाते हैं। इनको कहते हैं थर्मोप्लास्टिक्स। ये क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको अच्छे से सुनना। पॉलीथीन, पॉलीकार्बोनेट, पीवीसी जिसे कहते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये टाइप्स हैं थर्मोप्लास्टिक की। थर्मोप्लास्टिक से क्या क्या बनता है? बॉटल्स बनती हैं, टॉयज बनते हैं, कॉम्स बनती हैं, और सीढ़ी बनती हैं। जो फूड ग्रेड प्लास्टिक होता है वो एक्चुअली पॉलीथीन नहीं होता, वो होता है पॉलीकार्बोनेट, ठीक है। जो फूड ग्रेड प्लास्टिक जिसे कहते हैं वो पॉलीकार्बोनेट होता है। पीवीसी के बारे में सुना ही होगा, इससे पाइप्स बनती हैं। चलो ध्यान आता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। ये क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं। ये क्या है ना, एक बार अगर इन्हें मोल्ड कर दो तो इन्हें आप सॉफ्ट नहीं कर सकते, और इसे आप रीयूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। इन्हें कहते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। इसके एग्जांपल क्या है? मेलेमाइन। मेलेमाइन की डिशेस अपने घर पे होती हैं। ये बहुत ज़्यादा फायर एंड हीट रेजिस्टेंट या टॉलरेबल है, तो इससे क्या बनेंगी? डिशेस बनती हैं, फ्लोर टाइल्स बनती हैं, और फायर प्रूफ कपड़े बनते हैं, ठीक है। बैकेलाइट, बैकेलाइट से स्विचेस बनते हैं, जो आपके घर के स्विचेस होते हैं ना, वो बनते हैं बैकेलाइट से, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ओके। और इससे जो जैसे कुकर होता है ना, फ्राइंग पैन होता है, तो उसके हैंडल्स भी इसी से बनते हैं, ठीक है, याद रखना आप अच्छे से। देन आती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक, विशेषताएं। तो ये नॉन रिएक्टिव है, हल्का होता है, स्ट्रांग होता है, ड्यूरेबल होता है, पुअर कंडक्टर है, टेफ्लॉन जो कि एक प्लास्टिक है, किससे बनता है? पॉली टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन, ठीक है, ये इसका पॉलीमर है, और पॉली हटा दो तो ये इसका मोनोमर है, टेट्रा फ्लोरो इथाइलीन, ठीक है। ये भी क्या है? एक तरह का थर्मोप्लास्टिक है, ठीक है भाई। और क्यों यूज होता है? इसमें क्वालिटी है या कैरेक्टरिस्टिक है नॉन स्टिक की। तो नॉन स्टिक जो भी आपके यूटेंसिल्स हैं, जो बर्तन हैं, उसमें कोटिंग होती है टेफ्लॉन की, और ये बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। जो भी पॉइंट है ना, इनको बहुत अच्छे से प्लीज याद रखना, क्योंकि इसी के बेस पे क्वेश्चन आएंगे। ये बिल्कुल टू द पॉइंट नोट्स हैं, एनसीईआरटी से हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट हैं, जो जो इम्पोर्टेंट है वही है इसमें। चलो रिस्क, रिस्क तो ऑफकोर्स बहुत है प्लास्टिक्स का, नेचर के लिए बहुत ख़राब है, ये नॉन डिग्रेडेबल हैं। इसमें एनसीईआरटी में 5R रूल दिया है, आई थिंक ये पूछ सकता है, तो एक बार पढ़ लो, उतना मुश्किल नहीं है। 5R रूल का मतलब है रिड्यूस, कि हम यूज कम कर दें, रीयूज करें, मतलब बार बार थैली ना लो दुकानदार से, अपने घर से ही बैग लेके जाओ, और जो भी चीज़ें हैं उनका सबसे अच्छे तरीके से रिसाइकल करें, जहाँ भी कोई चीज़ पड़ी हो उसे रिकवर करें, और रिफ्यूज करें, ठीक है, मतलब यूज ही नहीं करना। सिंगल यूज प्लास्टिक जैसे बैन हो गए हैं ना, तो वही सब चीज़ें 5R रूल प्लीज याद रखना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज, क्लियर है। छोटा सा प्रणाम, बहुत बहुत ठीक है। तो ये सारे चैप्टर हो गया, क्वेश्चंस करें, चलो तैयार हो जाओ क्वेश्चंस के लिए।
चलो पहला क्वेश्चन है, द हैंडल्स ऑफ कुकर इज मेड अप ऑफ, किससे बनते हैं, पीवीसी, बैकलाइट से, पॉलिथीन से, या इसमें से कोई भी नहीं, जल्दी से रिप्लाई करो। चलो जिसका भी आंसर बी है वो सही है, ठीक है, बैकेलाइट, बैकेलाइट इज द राइट आंसर। हमने पढ़ा ना अभी, बैकेलाइट बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो बैकेलाइट से बनते हैं कुकर के हैंडल। चलो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म एंड गेटिंग सिल्क फ्रॉम दैम इज कॉल्ड एज, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कौन सा कल्चर कहलाता है, सेरी कल्चर कहते हैं, पीसी कल्चर कहते हैं, एपी कल्चर कहते हैं, या ये सभी। तो सिल्क वॉर्म को पालना और सिल्क वॉर्म से सिल्क ऑप्टेन करना, रेशम ऑप्टेन करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है सेरीकल्चर। राइट स्वागिता, वेल डन। चलो विच इज कॉल्ड एज आर्टिफिशियल सिल्क, कृत्रिम रेशम किसको कहते हैं, ऑप्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जो कि नेचुरल सोर्स से ऑप्टेन होता है, टेरिलीन, रेयन, नायलॉन या जूट, जल्दी से रिप्लाई करो। राइट, आर्टिफिशियल सिल्क मिलता है हमें रेयन से, मतलब रेयन को कहते हैं आर्टिफिशियल सिल्क या कृत्रिम रेशम। चलो नेम द फर्स्ट टोटली सिंथेटिक फाइबर, पहला टोटली सिंथेटिक फाइबर कौन सा है, टेरिलिन, रेयन, लिनन या नायलॉन। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल्दी से रिप्लाई करो 4 का। तो पहला टोटली सिंथेटिक फाइबर है नायलॉन, ठीक है, देन इसके नायलॉन के बहुत ज़्यादा वेरिएंट आ गए, बहुत ज़्यादा टाइप्स आ गए, नायलॉन 6, नायलॉन 66, नायलॉन 510, 510। चलो अभी तक सारे सबका सही था। चलो फ्रॉम विच स्टेज ऑफ सिल्क वॉर्म सिल्क इज ऑप्टेन, सिल्क वॉर्म या सिल्क मौत की कौन सी स्टेज से सिल्क ऑप्टेन किया जाता है, एग स्टेज से, एडल्ट स्टेज से, प्यूपा स्टेज से, या कैटरपिलर स्टेज से। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग, जल्दी से रिप्लाई करो इसका। चलो तो सिल्क वॉर्म हमें कहां से मिलता है, कोकून से मिलता है, और ये इसकी प्यूपा स्टेज होती है, ठीक है। राइट, जिसने भी सी दिया है दे आर राइट। चलो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैन विथस्टैंड विद हीट, विच काइंड ऑफ लिंकिंग इज प्रेजेंट इन देम, जो ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं इन पे टेम्परेचर का इतना इफेक्ट नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, किस तरह की लिंकिंग होती है कि इनमें जो टेम्परेचर है इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं दिखा पाता, लीनियर लिंकिंग होती है, क्रॉस लिंकिंग होती है, डेंस स्ट्रक्चर है इसलिए इन पे हीट असर नहीं करती, ये सभी। तो जिसका भी आंसर है क्रॉस लिंकिंग दे आर राइट, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था क्रॉस लिंकिंग कारण ये टेम्परेचर से विस्टैंड कर सकते हैं। राइट, जिसका भी बी है राइट। स्वागिता, औसम, जिसने कंटेंट अच्छे से देखा ना उसको बहुत इजी हो जाएगा। चलो सीप से ऊन कलेक्ट करने की प्रोसेस या राइट ऑर्डर क्या है, पहले कौन सी प्रोसेस होती है, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, सेयरिंग होती है, सेयरिंग, सॉर्टिंग, स्काउरिंग होती है, या पहले सॉर्टिंग होती है, स्काउरिंग होती है, देन सेयरिंग होती है, या पहले सेयरिंग होती है, स्काउरिंग होती है, देन सॉर्टिंग होती है, जल्दी से रिप्लाई करो इसका।
शेयरिंग का मतलब है ट्रिमिंग करना, स्काउरिंग का मतलब है उसे धुलना, जो बाल होते हैं सीप के या किसी भी एनिमल के, सॉर्टिंग होती है उन्हें छांटना। तो जिसका भी डी ऑप्शन है ना, दे आर राइट। नो, पहले शेयरिंग होती है, शेयरिंग है ट्रिमिंग, ठीक है। पहले बाल काटेंगे सीप के, फिर उसको धोया जाएगा, स्काउर किया जाएगा, ठीक है। मैसेज रिट्रैक्ट मत करो, देख क्या हो, ओके, देन उसको सॉर्ट किया जाएगा। नो प्रॉब्लम यार, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो, ठीक। तो स्वागिता राइट, डी इज राइट। हाँ चलो, जिसने भी डी दिया है दे आर राइट। चलो देन है द नेचुरल पॉलीमर्स ऑफ सेलुलोज आर। सेलुलोज किस में होता है, रेयोन या पॉलिएस्टर में, कॉटन एंड रेयोन में, नायलॉन एंड कॉटन में, टेरिलिन एंड पीवीसी में, किस में होता है जल्दी बताओ। कौन से नेचुरल पॉलीमर्स हैं और किस में सेलुलोज होता है, ये है क्वेश्चन नंबर 8। तो मैंने पहले बताया था कॉटन किसका पॉलीमर है, सेलुलोज का। रेयोन है, उड ही है एक तरह से, मतलब उड पल्प से ही बनती है, और इसका पॉलीमर भी है सेलुलोज, ठीक है। तो राइट आंसर है बी, जिसने भी बी दिया है दे आर राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये भी बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल एंड वार्म टेम्परेचर किस फाइबर की फसल के लिए बहुत अच्छा है, जूट के लिए, कॉटन के लिए, रोज के लिए या फ्लैक्स के लिए, जल्दी से बताओ। काली मिट्टी और गर्म टेम्परेचर, वार्म टेम्परेचर या वार्म क्लाइमेट किस फसल के लिए अच्छा है, फाइबर की फसल के लिए अच्छा है। राइट, कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट बहुत अच्छा होता है। ये क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। चलो, सेलेक्ट द थर्मोसेटिंग प्लास्टिक फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट। इसमें से कौन सी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का एग्जाम्पल है, थर्मोप्लास्टिक्स के एग्जाम्पल है, टेफ्लॉन, पीवीसी, बैकलाइट, बैकलाइट, मेलेमाइन या पॉलीथीन, बैकलाइट, मेलेमाइन, टेफ्लॉन, या डी ऑप्शन है पॉलीकार्बोनेट, मेलेमाइन एंड पॉलीथीन। ध्यान से पढ़ो ये और आंसर करो। क्वेश्चन नंबर 10, देखो मैंने पहले बताया था बैकलाइट थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, मेलेमाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, टेफ्लॉन भी थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है इसका, सी, ये ठीक है। बाकी इसमें देखो, ये थर्मोसेटिंग है, ये थर्मोसेटिंग है, ये थर्मोप्लास्टिक है केवल, ये भी थर्मोप्लास्टिक है, तो ये गलत है, ये भी थर्मोप्लास्टिक है, ये भी थर्मोप्लास्टिक है। तो राइट आंसर है इसका सी। चलो क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द सिंथेटिक फाइबर कैन बी सब्स्टिट्यूट विद नेचुरल वूल। नेचुरल वूल की जगह हम क्या यूज करते हैं, सॉरी, नायलॉन यूज करते हैं, पॉलिएस्टर यूज करते हैं, एक्रेलिक यूज करते हैं, टेरिलिन यूज करते हैं, जल्दी से रिप्लाई करो सर। क्वेश्चन कंटेंट में से ही आएंगे यार, एनसीईआरटी बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी है, एक बार रीडिंग भी कर लोगे तब भी आपको दिमाग में रहेगी वो चीजें। जिसका भी ऑप्शन है एक्रेलिक, दे आर राइट, ठीक है। मैंने पहले बताया था एक्रेलिक नेचुरल ऊल के सब्स्टिट्यूट में यूज करते हैं, और एक्रेलिक यूज होते हैं कृत्रिम वूल बनाने, मतलब वैसे कपड़े बनाने के लिए। अनिसा राइट, साहू जी आपका एक क्वेश्चन गलत हो गया, नो प्रॉब्लम, सभी आज अच्छा कर रहे हैं वैसे।
भावना सिंह, यू आर ऑल्सो रॉन्ग. चलो, सिल्क वॉज डिस्कवर्ड इन विच कंट्री? सिल्क किसने खोजा था या किसके देश में खोजा गया था? इंडिया, यूएसए, नेपाल या चाइना? ये तो सिंपल है यार, जल्दी से रिप्लाई करो. चलो जल्दी क्वेश्चन 12 का जल्दी रिप्लाई दो. तो सिल्क चाइना में डिस्कवर हुआ था, ठीक है. इसके पीछे एक स्टोरी है कि राजा रानी थे, उनके मलबेरी के पेड़ में कीड़े लग रहे थे, सतोत के पेड़ पे. और ये उसी दिन चाय पी रहे थे दोनों राजा रानी, और उनके चाय में आके वो ककून जो होता है गिर गया, ठीक है. और उसने रानी ने जब उसको निकाला तो उसमें से बहुत फाइन और बहुत मुलायम फाइबर निकला. तो वहाँ से इसकी डिस्कवरी हुई. इन्होंने बहुत सालों तक बताया नहीं किसी को, चाइना वालों ने. चलो क्वेश्चन नंबर 13, दो तीन क्वेश्चन और रह गया. इफ समवन इज वर्किंग इन किचन और नियर द प्लेस ऑफ फायर देन व्हाट टाइप्स ऑफ क्लॉथ दे शुड वियर? अगर कोई किचन में या आग के पास काम कर रहा है, मतलब ऐसी जगह है जहाँ पे आग है या फायर या क्रैकर्स हैं, मतलब पटाखे हैं, तो वहाँ पे कैसे कपड़े पहने चाहिए? कॉटन पहनना चाहिए, सिल्क पहनना चाहिए, रेयन पहनना चाहिए, नायलॉन पहनना चाहिए? तो देखो इसमें बहुत सिंपल है, ये सभी क्या है, ये एनिमल बेस्ड फाइबर है, ये भी क्या है, आर्टिफिशियल सिल्क है, तो इसका टेक्सचर भी वैसे ही हो जाता है. नायलॉन तो है ही सिंथेटिक, तो ये है बिल्कुल गलत. कॉटन बहुत सेफ होता है. हाँ राइट, या चलो 14, सेकेंड लास्ट. द प्रोसेस ऑफ गेटिंग कॉटन फाइबर फ्रॉम कॉटन बोल इज कॉल्ड एज? तो कॉटन फाइबर्स होते हैं, कॉटन बोल से निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? स्काउरिंग कहते हैं, गिनिंग कहते हैं, शेयरिंग कहते हैं, रीलिंग कहते हैं? ये हमने कॉटन वाली उसमें पढ़ा है, जल्दी से बताओ. जो कॉटन के फाइबर्स होते हैं उनको, फाइबर्स को निकालने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसके फल से, उसके बोल से? तो जिसने भी बी आंसर किया है ना, दे आर राइट, गिनिंग कहते हैं. और गिनिंग में भी क्या यूज होती है, कॉम्बिंग प्रोसेस, मतलब कंघी की तरह उसके फल से कॉटन को निकाल लिया जाता है. अरे सिल्क नहीं पहनेंगे निशा जी, कॉटन पहनेंगे वो. चलो लास्ट है 15 क्वेश्चन. सिल्क इज ए फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है या विटामिन है? सिल्क क्या है, जल्दी से बताओ. लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर स्ट्रीम बंद करते हैं, कल करेंगे फिर. तो सिल्क एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि अमीनो एसिड से बना होता है, तो इसलिए प्रोटीन है. जो भी रेशम होता है वो प्रोटीन है. और इसमें भी आई थिंक ग्लाइसिन ज्यादा यूज होता है, ग्लाइसिन और एलेनिन अमीनो एसिड ज्यादा होता है सिल्क में. चलो जिसने भी प्रोटीन दिया ना, दे आर राइट. देखो कंटेंट पढ़े लोगे ना, तो कोई भी क्वेश्चन आए, कोई कहीं से भी क्वेश्चन आए, चाहे उसको घुमा फिरा के दे दे, यू कैन रिप्लाई. तो इसलिए कंटेंट पढ़ना बहुत अच्छा होता है. हालांकि क्वेश्चन में स्टडी भी अच्छी होती है, लेकिन एक बार कंटेंट पूरा पढ़ा हो ना, पूरा चैप्टर पढ़ा, तो माइंड में वो चीज़ें रहती हैं. तो आज के लिए इतना ही था. आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छे से चैप्टर हो गया. थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए. डेली ऐसे ही कवर कर लेंगे, ठीक है, दो तीन चैप्टर पढ़ के ख़त्म करेंगे. सीटेट के लिए तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी, क्योंकि 6, 7, 8 बिल्कुल बहुत ईजी है. 9, 10 का अभी देखता हूँ कितना कवर हो पाता है. ओके सो
मोस्ट वेलकम यार, मजा आ रहा है। आई थिंक लाइफ सेशन करने में बहुत अच्छा लगा है और क्वेश्चन डिस्कस करने में। सो चलते हैं, मिलते हैं कल, कोल एंड पेट्रोलियम करते हैं कल, ठीक है? क्योंकि उससे भी क्वेश्चन आते हैं कल, दो यूनिट निपटाते हैं उसके भी, चैप्टर क्लास 8 की, ठीक है? ठीक है, तो चलते हैं यार। गुड नाइट एंड टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट सभी चीजों के लिए। जीएस की देखते हैं यार, टाइम मिला तो। हरियाणा जी के, हरियाणा जी के देखता हूँ, टाइम मिला तो मैं डायरेक्ट बस उसके वीडियो अपलोड कर दूंगा, ठीक है? जो जो मेन चीजें हैं ना उसके वीडियो अपलोड कर दूंगा मैं। चलो कल इसी टाइम 8:30 बजे कल फिर से मिलते हैं। चलो जल्दी से, अगर किसी की क्वेरी है तो पूछ लो यार, फिर बंद करते हैं स्क्रीन। आई थिंक किसी की क्वेरी नहीं है। अरे कल तो संडे भी है, कल एक लाइव भी करते हैं, ठीक है? क्योंकि काफी लोगों को आई थिंक पता ही नहीं चल पा रहा कि क्लासेस चल रही हैं, तो कल एक लाइव करते हैं, मैं टाइमिंग बता दूंगा। चलो यार, किसी का रिप्लाई नहीं आ रहा तो ओके, गुड नाइट।